आज ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप तूर दाल लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें आधा छोटे चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेजपत्ता, 1 हरी मिर्च, आधा छोटे चम्मच हींग, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 4 से 5 बारीक कटा हुआ लहसुन, 10 से 12 करी पत्ता ऐड करेंगे। इसे 5-10 सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और उसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये थोड़ी गोल्डन कलर की हो जाए, लगभग 3 से 4 मिनट। आप ये काम डायरेक्टली प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, मैंने पैन में किया है जिससे कि ये अच्छे से विजिबल हो। प्याज रोस्ट हो गया है तो इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। टमाटर भी काफ़ी हद तक पक चुका है तो अब इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड करते हैं। इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं या पैन में चिपक रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो जो दाल हमने सोख करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें 1 से 1.5 छोटे चम्मच नमक ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे वापस से 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। दाल अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक कुक करेंगे। तीन सीटी लग चुका है तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, दाल बिल्कुल रेडी है तो इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच धनिया पत्ता ऐड करके इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें आधा बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और आधा बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। फ्लेम को बंद कर देंगे और घी को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और 1/4 छोटे चम्मच हींग। फिर इसमें बहुत ही थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तड़का हमारा रेडी है तो अब दाल को सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसमें 1 छोटे चम्मच के करीब नींबू का रस डाल देंगे। जो तड़का हमने बना के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। तड़का डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है पर इससे इस दाल का टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।